क्योंकि इस तरह के प्रोग्राम आपने खूब सारे देखे होंगे, वीडियो भी खूब सारे देखे होंगे कि ऐसे जैक से मकान को उठाया जाता है। तो इस शिफ्टिंग और लिफ्टिंग की असलियत क्या है भाई साहब? यहाँ पे आपका ठेकेदार कौन है यहाँ पर? आप क्या बोल रहे हो, ये फट गया मकान, फट गया वहाँ। तो इसमें रिस्क नहीं रहा मकान में ऐसे? बिल्कुल भी रिस्क नहीं है, हमारा 15 साल से काम है ये, 2004 से करे, आज तक कहीं पे भी उठाया नहीं। जो बिल्डिंग झुक जाती है साइड में, टेढ़ी हो गई है, उसको भी सीधा किया है। इसमें कहीं भी आपको दिखाना, इस मकान को दिखाना है क्या कोई? और इसमें तो लाइट भी जल रही है, क्योंकि मकान का नुकसान हो जाएगा, किसी को नुकसान हो जाएगा, तब आप क्या करेंगे? पूरा रिस्क हमारा। अभी लोगों को पता ही नहीं है इसकी टेक्निक का, कैसे उठाते हैं कैसे नहीं। अब ठेकेदार बहुत है, 1500-1600 बिल्डिंग उठा दी। 1500 बिल्डिंग है, 1500 बिल्डिंग है। सेंट्रल चिल्ड्रंस एकेडमी, सुजलास फर्स्ट ग्रोइंग एंड इंग्लिश मीडियम को एजुकेशनल सेकेंडरी स्कूल, लाडनू बस स्टैंड, सुजानगढ़। नमस्कार जी, राम राम। मैं नागेश कुमार कौशिक, KDS राजस्थान में पहले तो सबका स्वागत है। और दोस्तों, एक खास समस्या जो लोग मकान बनाते हैं, बड़े दिल से बनाते हैं और कहते हैं कि मकान ज़िंदगी में एक ही बार एक व्यक्ति बना पाता है, और वही मकान यदि नीचे चला जाए और ज़मीन में धस जाए, सड़क ऊँची आ जाए, फिर बारिश में पानी अंदर आ जाए, तो कैसा लगता होगा? बड़ा दुख होता है। अपना सपनों सा सुंदर बनाया हुआ मकान और नीचे चला जाए। और आपने इस तकनीक के बारे में भी सुन रखा होगा कि जैक तकनीक से मकान को ऊपर उठाया जाता है। तो मैं आज एक ऐसी जगह पर आया हूं और पूरी पड़ताल करूंगा। मैं आपको हकीकत बताऊंगा कि इसमें हकीकत में मकान जो उठता है उसमें कितनी रिस्क होती है, और मकान जो उठता है उसमें कितना खर्चा आता है। सारी जानकारी मैं लाऊंगा और सारी जो है ना असली पड़ताल करूंगा, मैं असलियत लेकर के आऊँगा। मेरे चैनल को लोग बड़े विश्वास के साथ देखते हैं और विश्वास करते हैं उस पर, तो मैं भी उस विश्वास पर खरा उतरने की कोशिश करूँगा। मैं इस वक्त हूँ राजस्थान के झुंझुनू शहर में, और झुंझुनू शहर की यह है सैनिक नगर। ये देखो सैनिक नगर, और भाई साहब का नाम है जो जिनका ये मकान है, भाई साहब का नाम है, आप एक्स आर्मी हैं, और रामचंद्र जी राव जो कि एक्स आर्मी हैं, जिनका मकान है। आओ अंदर ले चलता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं ख़राब करूँगा। और ये देखो जैक से मकान ऊपर उठ रहा है, ये देखिए। पहले तो ये देखो, ये जैक लगे हुए हैं, देखो ये जो अपने ट्रक पे बस पे जो जैक लगते हैं उस तरह के जैक लगे हुए हैं। और देखो काम चलने लग रहा है, ये देखो काम चल रहा है, ये देखो ये जैक को घुमा रहे हैं उस लोहे के सरिए से, और ये काम धड़ाधड़ चल रहा है। और अगर मैं यहाँ देखूँ तो अभी जो जिस गली से निकल करके मैं आया हूँ उससे ये लगभग, मुझे ये देखिए कितना मानेंगे, ये लगभग 4 फीट से तो ऊपर, 4.5 फीट के लगभग तो आ गया होगा। ये देखो ये फर्श है पहले का लगा हुआ इनका, है ना। अब इस पे पीछे का जो क्या है वो मैं आपको जानकारी करवाऊंगा, क्योंकि इस तरह के प्रोग्राम आपने खूब सारे देखे होंगे, वीडियो भी खूब सारे देखे होंगे कि ऐसे जैक से मकान को उठाया जाता है, किसी भी मकान को उठाया जाता है, बिल्डिंगों को उठाया जाता है, शिफ्टिंग की जाती है, लिफ्टिंग भी की जाती है। तो इस शिफ्टिंग और लिफ्टिंग की असलियत क्या है, और वास्तव में क्या इसमें कोई रिस्क है, और रिस्क है तो वो कितना परसेंट है? और कई जगह पे अपन सुनते हैं कि मकान किसी ने उठाया और कईयों का शानदार रहा, पर किसी का अपन ये भी सुनते हैं कि मकान फट गया। तो क्या है इसकी असलियत और क्या कमी रह जाती है, वो भी मैं जानकारी लूँगा। पहले देखो पूरी इसकी जान, पहले एक बार एक वापस वीडियो आप दिखा दो इसमें। ये देखो मकान जो उठ रखा है ये चारों तरफ, ये देखो लिप ये लगे हुए हैं सारे, ये देखो अंदर इधर तक देखो, ये देखो पूरा ये लगा हुआ है, पूरा मकान जो है उठा रखा है, और ये लगभग 4 फीट से ऊपर अभी तो उठा भी दिया है, और लेबर लग रहे हैं, लोग लग रहे हैं, ये देखो। और इसको कोई खास इशारा होता है, ये अंदर से कोई इशारा कर रहे हैं उस हिसाब से ये घुमाते हैं, इनका कोई कोड वर्ड है, कोड वर्ड में कोई इशारा करते हैं। तो मैं थोड़ी जानकारी लूँगा भाई साहब, यहाँ पे आपका जो है क्या बोले ठेकेदार कौन है यहाँ पर, जिससे मैं सारी जानकारी लूँ। जी ठेकेदार, आप ठेकेदार हो, क्या नाम है आपका? मोहित है जी। मोहित जी, मोहित योगी। मोहित जी योगी, हाँ जी। मोहित जी कहाँ से हैं आप? हरियाणा यमुनानगर जी। अच्छा, और तो हरियाणा वाले ये मकान ऊपर उठाने वाला ये शुरू से चला है ये? और किसी के, और किसी के बस की तो बात ही नहीं है जी, हरियाणा की बात ही अलग है। आप क्या बोल रहे हो, ये फट गया मकान, फट गया वहाँ, फट गया कहाँ, फट गया? अजी कई के ऐसे सुनते हैं अपन, हमने भी ऐसे वीडियो देखी है जिसमें मकान में रिस्क भी रहती है। तो इसमें रिस्क नहीं रहा मकान में ऐसे? बिल्कुल भी रिस्क नहीं है, हमारा 15 साल से काम है ये, 2004 से करे, आज तक कहीं पे भी नहीं। आप देखो 15 साल से आप ये मकान ऐसे उठा रहे हो? ये मकान बिल्कुल खिसकाते भी हो और उठाते भी हो? बिल्कुल सारा काम। कितने मंजिल तक उठा दिए? 5 मंजिल तक। 5 मंजिल की बिल्डिंग को उठा दिया आपने? 5 मंजिल बिल्डिंग को उठाया है। बहुत बड़ी रिस्क हो गई। उठाया नहीं, जो बिल्डिंग झुक जाती है साइड में, टेढ़ी हो गई है, उसको भी सीधा किया है।
अच्छा अच्छा अच्छा, जो जो कई बार ऐसा होता है कोई बिल्डिंग बनाई हुई है उसके पास में कोई दूसरी बिल्डिंग किसी ने जो न्यू खोदी या वहाँ पे जो बेसमेंट बनाने के लिए खड्डा खोदा, बिल्कुल अभी आपके राजस्थान की बात है, खजुवाड़ा में बिल्डिंग झुक गई थी साइड में, सरकार ने बैरिगेट लगा के रोड बंद कर दिया, आना जाना सबका बंद, तो उन्होंने हमारे साथ संपर्क किया, हमने फिर उस बिल्डिंग को सीधा किया। अच्छा, और भाई साहब आपका शुभ नाम क्या है, आपका मकान? हाँ, मेरा ही मकान है, रामचंद्र राव नाम है। अच्छा, ये देखिए मकान के ओनर भी यहाँ पास में ही खड़े हैं, बातें सुन रहे हैं। सर हकीकत बताइएगा कि मकान वास्तव में जो कितने दिनों से उठा रहे हैं? फौजी आदमी है, हकीकत ही बोलते हैं, झूठे दम कभी बोलते हैं। फौजी आदमी को सुरक्षा की तो पूरी गारंटी, पूरी गारंटी। इनसे मेरा संपर्क हुआ, मैंने मुझे मकान उठाना था, मैंने यूट्यूब पे इनके नंबर निकाले, नंबर निकालते जहाँ ये बंदे काम कर रहे थे उसी गांव में मेरे जान पहचान के मिल गए। ये डूंगरगढ़ के पास ऊपरी साइड में काम कर रहे थे, उसी गांव में अपनी जान पहचान मिल गई, कहीं से नंबर लेके अपन ने बात की, इनको यहाँ पे बुलाया, तो जो मेरी इनसे डील हुई थी उससे निश्चित टाइम से 15 दिन आगे चल रहे, जो इन्होंने टाइम दिया था उससे 15 दिन आगे चल रहे। एक मेरे को शंका और थी इनके ऊपर कि पता नहीं उठा पाएंगे नहीं उठा पाएंगे। मेरी मोहित जी से बात हुई थी तो ये नहीं आए थे, इन्होंने अपने टीम के 2 बंदे जवान भेजे थे, उनसे मेरी बात हुई। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि बहुत ही अच्छे आदमी हैं, अच्छा बिहेव है, और इनकी जो टीम के आदमी हैं वो सब इनसे बड़े इंजीनियर हैं, ये मैं बता सकता हूँ। अच्छा, मैं फिर से बात करूँगा आपसे, आप सारा अच्छा अच्छा बोल रहे हो, मैं इसकी हकीकत लूँगा। पहले आओ अंदर, आओ आप थोड़ा थोड़ा अंदर से दिखाओ इसको, आओ इधर आओ। देखो मैं थोड़ा, मैं तो देखो थोड़ी पड़ताल करने आया हूँ, सारी अच्छी अच्छी बातें नहीं सुनूंगा। ये जो ये देखो अंदर से एक बार वापस दिखाना इसको, जो काम कर रहे हैं लोग बाग, ये कितने एक जैक लगे हुए हैं? 200 जैक लगे हुए हैं जी, 200 जैक लगे हुए हैं इस टाइम। और ये कितने एक बड़ा मकान है, कितने स्क्वायर फीट का? 2400-2500 स्क्वायर फीट का मकान है पूरा एरिया। आप बोल रहे हैं फट गया, अब देखो इसमें कहीं भी आपको दिखाना, कोई दिखाना इस मकान को दिखाना है क्या कोई? और इसमें तो लाइट भी जल रही है, लाइट जल रही है, खिड़की दरवाजे लगे हुए एकदम। किचन तो फर्श सहित जा रहा है, क्या कह रहे हो? जो इसका किचन वो तो फर्श सहित ही है, खाना पीना खा रहे हैं। अरे अरे, फर्श भी नहीं फटा, ऐसे थोड़ी होता है, ये देखो। अरे रे रे रे, ये देखिए इसमें फर्श भी अभी तक पड़ा है किचन के अंदर, पूरा किचन वैसे ही, उसमें खाना बन रहा है। लोगों को ऐसे मन में होता है कि मकान का नुकसान हो जाएगा, किसी को नुकसान हो जाएगा, तब आप क्या करेंगे? अब आप क्यों बताओ, आपके लिए कोई रिस्क है क्या? हमने सारा रिस्क कवर कर दिया है, गारंटी दी है, कोई भी त्रेड आ गई, कोई भी नुकसान हो गया, यहाँ तक कि हमारे बंदे को भी किसी को चोट वेट लग गई, उसकी पूरी जिम्मेवारी हमारी। अब आपके ऊपर कोई रिस्क है? लिखा पट्टी कराई थी आपने? मैंने इनसे कोर्ट में अग्रीमेंट हुआ था हमारा। अच्छा। जो अग्रीमेंट मेरे पास रखा हुआ है उसमें सब कुछ बात क्लियर है, कितना फीट उठाना है, माल मटेरियल तो अपना रहना है, बाकी टोटल सामान इनका। रिसक किसकी? रिसक इन्हीं की है। मकान को पूरी कंडीशन देख के वीडियो बना के देते हैं, उसके बाद में कहीं भी तेड आ जाएगी आप दिखाओ, उसी दिन मकान बंद, नया मकान बनवाइए। अरे नया मकान बनाइए, इतनी बड़ी रिसक, बिल्कुल पूरा रिस्क हमारा, 101% गारंटी देते हैं, पूरी टोटल जिम्मेवारी। एक मिनट, कमरों को देखो अंदर से दिखाना, देखे इसमें क्या क्या चीज़ें जो है उठी हुई है। देखो ये सीढ़ियाँ हैं, ये सीढ़ियाँ हैं जो ऊपर उठी हुई है, और देखो भाई साहब काम कर रहे हैं, भाई साहब को दिखाना ज़रा, ये देखिए भाई साहब, ये देखिए जैक को घुमा घुमा के धीरे 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 उठा रहे हैं। और इधर एक मिनट, कमरे के अंदर आना, इधर कमरे के अंदर आना, इसमें मैं दिखाऊँगा आपको पूरे ज़मीनी हकीकत दिखाऊँगा, एकदम नज़दीक से दिखाऊँगा। ये देखो कमरे के अंदर क्या हालचाल है, मैं एक बाहर बाहर से नहीं दिखाऊँगा। ये देखो कमरे का ये फर्श है, ये फर्श है, और इधर ये कवर्ड वगैरह लगे पड़े हैं अभी तक, ये कवर्ड वगैरह हटाई नहीं, खिड़की कुछ नहीं, कोई नुकसान ही नहीं, पूरे ऐसे कैसे जा रहे हैं, कोई नुकसान नहीं है। ये देखो कवर्ड के गेट ऐसे कैसे लगे हुए हैं, और ये मकान देख लो उठा हुआ साफ दिख रहा है। ये देखो पहले ये फर्श है, ये लेवल था, और इस लेवल से ये इतना ऊपर आ चुका है, लगभग 4 फीट के लगभग ये ऊपर आ चुका है। क्या है इनकी कंपनी का नाम क्या है भाई साहब? आपकी ये जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है इसका नाम क्या है जी? अजमेर एंड सन्स बिल्डिंग लिफ्टिंग सर्विस। ये अजमेर सिंह जी, अभी हमने पहले भी लोग जानते हैं, सोचते हैं कि ये अजमेर से हैं, लेकिन अजमेर सिंह मेरे दादाजी का नाम था। अच्छा। जिन्होंने ये कंपनी स्टार्ट की थी। अच्छा, दादाजी की शुरू करी हुई है? हाँ। अच्छा, दादाजी के टाइम से है काम? बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताया ना आपको 15-20 साल हो गए हैं काम कर रहे हैं, अपनी पूरी फैमिली इसी बिजनेस में है। चलो थोड़ा घूम के दिखाओ मेरे को जरा, और दूसरी जगह से दिखाओ। आओ एक मिनट आओ, अभी ये कई बंदों के क्वेश्चन होते हैं कि पिलर को कैसे उठाओगे। अब ये इन पिलरों को कट कर दिया है नीचे से, अब इसको जो जोड़ेंगे ना लैप लगा के सर, ये ऐसे चढ़ा के वेल्डिंग वगैरह करके एज इट इज करके दे देंगे। अभी वो भाई साहब काम कर रहे हैं, उनको दिखाना देंगे साथ में। हाँ, ये इसमें कुछ ऐसा विशेष, इसमें कुछ आपने अपना कोड वर्ड बना रखा है, इसमें मार्किंग की हुई है, ये देखो ये मार्ग है, एक उधर मार्ग है,
अब ये जैसे ये मार्ग दिख रहा होगा आपको इधर पे, ये है मार्ग, ये घूम के ना जब नंबर 12 होते हैं तो ये मार्ग दोनों आपस में मिल जाते हैं, तब ये पूरा पूरे के पूरे बंदे जो है लेवल में जैक घुमाते हैं। और इस बिल्डिंग को देखो जब काम स्टार्ट करते हैं उससे पहले ना इसका लेवल निकालते हैं। अभी आपको ये दिखाते हैं, ये देखो निशान लगा है। एक मिनट, कैमरा बाहर लेना है, बाहर लेना कैमरा अभी तो ये तो हकीकत समझना है पूरा। हाँ। ये क्या है, ये देखो लेवल का निशान, ये मार्क क्यों है। हाँ। अब ऐसे ही मार्क वहां पे किया है, वाटर लेवल निकाल रखा है पूरी बिल्डिंग का। अच्छा। जब ये हमने छेड़न था इसको, जब तक जब ये लेवल के निशान लगाए थे तो उसके बाद क्या हुआ, मकान में टेढ़ा बनो तो पता लग जाए। हाँ, हमें पता चल जाएगा। अब इसको उठाएंगे और इसको बीच बीच में लेवल चेक कर, जैसे एक फीट उठाया, डेढ़ फीट। अच्छा, कहीं से भी टेढ़ा नहीं हो। हाँ। गलती हो इसी में हो जाती है, मकान कहीं से भी टेढ़ा हो गया। अभी लोगों को पता ही नहीं है इसकी टेक्निक का, कैसे उठाते हैं कैसे नहीं। अब ठेकेदार बहुत है। हाँ। काम कर रहे हैं। इसमें नुकसान जो कई लोग कहते हैं, नुकसान भी हो जाता है। नुकसान होता है उनको, यही नहीं पता लेवल क्या होता है बिल्डिंग का। अब उठा दी एक, नहीं इधर से ज्यादा उठा दी, कम उठा दी, वो तो गिरेगी बिल्डिंग। हाँ, वो तो अगर इतना सा भी एक इंच का भी फर्क आ गया इसमें, उसकी मतलब नुकसान की, मतलब लापरवाही की तो कोई वैल्यू ही नहीं है इस काम में। लापरवाही आप 1% भी नहीं भर, 0.1% भी नहीं। हाँ, 0.1% भी गलती हुई और फिर रिस्क ही रिस्क है, और वरना कोई रिस्क नहीं है। नहीं, रिस्क नहीं। अब ये जब बिल्डिंग लास्ट में रोकेंगे ना इसको, स्टे करेंगे, तब इसको लेवल से मैच करके तब देंगे। तो अब चलो घुमाते चलो साथ में। ये अभी कितने दिन हो गए आपको यहाँ पे इस पे काम करते हुए? ये अभी इसको 1 महीना 2 दिन हो गए हमें काम स्टार्ट किए हुए। 1 महीना और 2 दिन हो गए। हाँ। और महीने भर में मतलब यूं कहें 2 दिन ही तो ऊपर हुए हैं, मतलब 32 दिन में ये मकान इतना उठा लिया आपने। आप ये इतना विश्वास के साथ आप सारी चीजें बता रहे हो, आपने अब तक कितने का मकान उठा दिए, और आप ये दावे से कह रहे हो इतना कि मेरा सारा रिस्क मेरा है, मकान कितने को उठा दिया आपने? हमने लगभग जब से हमने काम स्टार्ट किया लगभग 1500-1600 बिल्डिंगें उठा दी। 1500 बिल्डिंगें, 1500 बिल्डिंगें, 1500 बिल्डिंग्स को आपने? बिल्कुल बिल्कुल, ऑल इंडिया में काम चलता है। अभी राजस्थान में इधर झुंझुनू में चल रहा है, सुजानगढ़, बीकानेर, नोखा, ये उपनी, रेडी बन्ना, डूंगरगढ़, इधर आबसर, अरासर, बहुत ही आवास, बहुत बिल्डिंग उठा दी इस एरिया में। गांव गांव, शहर शहर राजस्थान में छा रहे हो आप तो, गंगानगर, हनुमानगढ़। हाँ, जब भी मैंने राजस्थान में आपका नाम बड़ा सुन रखा है, मैं यार असलियत देखते हैं कि लोग जो है क्या, हकीकत क्या है इसके पीछे की। और ये देखो अंकल जी यहाँ पे काम कर रहे हैं, ये 10-10 साल से हमारे साथ है। एक मिनट, हाँ क्या कह रहे हो अंकल जी? इसके अंदर कितनी बड़ी आलमोरी एक साथ पूरी जा रही है, आज ही आलमोरी 1.5 लाख से नीचे नहीं बनती। बिल्कुल बिल्कुल, फर्नीचर का काम बहुत महंगा पड़ता है, पूरी शेप जा रही है। फर्नीचर का काम भी बहुत महंगा पड़ता है। बिल्कुल, ये आपके फर्नीचर का, छत का, बिजली फिटिंग का, जो इस पे प्लास्टर हुआ है उसका, और जो फिनिशिंग जो छत पे हुई है, मान लो जिसको फोर सीलिंग बोलते हैं बड़ा, वो सब चीजें तो आपकी एज इट इज रह गई। बिल्कुल जीरो, मतलब 1 रुपया का भी नुकसान नहीं है। प्राय होता क्या है कि हम देखते हैं कि जब मकान नीचे हो जाता है, गली से नीचे चला जाता है, बारिश का पानी अंदर आने लग जाता है, तो लोग बाग, कई लोग तो ऐसे होते हैं जो मकान बेच के चले जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि यार कौन इसमें माथा पच्ची करेगा। जिसके पास में थोड़ा पैसा होता है वो बेच के दूसरी जगह मकान बना लेता है। अपन देखते हैं ऐसा, यहां भी ऐसा हुआ कोई इसी के साथ? नहीं, ऐसा मेरी गली में हुआ था, उन्होंने बेच के इसी कारण से चले गए थे। आपकी गली में मकान जब बनाया था कितना फुट ऊंचा था ये? वो था 9 फीट। मेरा मकान, उनका मकान, दोनों एक ही साथ बने हुए थे। अच्छा, लेकिन 9 फीट ऊंचा मकान नीचे चला गया, नीचे चला गया, वो बेच के कहीं अलग निकल गया, वो किसी और ने ले लिया। अच्छा, उनको मालूम नहीं था कि मकान ऐसे उठता भी लिफ्टिंग होता है या नहीं होता, उनको नहीं मालूम था। फौजी आदमी था, उसने बेच के साइड में चला गया, तो घाटा हुआ होगा उसको, घाटा, काफी घाटा हो गया। मकान तो जिंदगी में एक बार बनता, दिल से बनाया जाता है। नहीं, फिर दूसरा रास्ता, मकान तोड़ दो, मकान तोड़ दो, मकान तोड़ने में बचता क्या? कुछ नहीं बचता। मकान तोड़ो तो फिर वापस वही जो कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट है, आज इतना बड़ा मकान बनाएंगे तो 35-40 लाख रुपए लगेंगे। ये बनेगा नहीं, 70 लाख से नीचे मकान ही है। 70 लाख रुपए की कॉस्टिंग है इसकी? 70 लाख रुपए की कॉस्टिंग आज बनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कंस्ट्रक्शन की जो कॉस्ट है, फिर उसकी फिनिशिंग का जो कॉस्ट है, वो बहुत ज़्यादा आती है। और ये कह रहे हैं भाई साहब कि मैंने 1500 मकान ऊपर उठा दिए हैं, उनमें जैसे मकानों में 1500 मकान आपने उठाए, अलग अलग देखो धरती का अलग अलग होता है, जैसे राजस्थान की धरती है, धौरा की धरती है, और आप दूसरी जगहों पे कहीं देखोगे तो कहीं पे पथरीली जमीन होती है, कहीं पे क्या होता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता? फर्क क्या पड़ता है, हम पहले तो जैसे इनके साथ बात हुई हमारी फोन पे होगी, पहले मैं ऐसे कोई रेट नहीं बताया, कोई कुछ नहीं बताया, थोड़ा नॉर्मल आइडिया दे देते हैं बंदे को, अगले को, कि ये इतना लगेगा, फिर जाके वहाँ पे चेक करते हैं, विजिट करते हैं, टेस्ट करते हैं, सारी चीजें देखते हैं, तब ओके करते हैं डन कि अब ये बिल्डिंग उठ जाएगी। अब नंबर कितने दोगे इनके? 100 नंबर का टेस्ट है इनका, 100 में से 110 ही दे पाऊंगा। 110 तो 100 में 100 ही होते हैं। नहीं, वो दिल से होते हैं 10 नंबर, दिल के होते हैं।
सो हैं तो इनके पूरे सो हैं, कहीं माइनस नहीं, प्लस पॉइंट इनका क्या है? पूरे संतुष्ट हैं, मतलब संतुष्ट नहीं, मेयर से पूछे तो इन पे आग में इसके विश्वास कर लो, मैंने तो अग्रीमेंट लिया, अग्रीमेंट इनके जो अग्रीमेंट है ना वो मैं देने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, क्या अगर ये बताते वो अग्रीमेंट मेरे से करा ले जाओ, अगर इनके बताए हुए काम अगर कमी मिल जाए तो। अब बताओ इससे ज्यादा गारंटी क्या दें? ये देखिए यहाँ पर अंदर अंदर दिखाते जाए, साथ साथ में देखिए काम चल रहा है और ये लोग काम कर रहे हैं। आओ थोड़ा इस साइड से भी मैं देखता हूँ इसमें क्या क्या कहाँ पर होया हुआ है। इधर आइए, इधर से भी देखते हैं। आइए ठेकेदार साहब, इधर आइए आप। आगे आगे खिड़की दरवाजा है, आपने चारों तरफ घूम के देखा कहीं पे कोई कमी नजर आई क्या? बिल्कुल बिल्कुल, अब ये चढ़ाई करते जाएंगे। अच्छा, ये साथ साथ में जैसे जैसे ऊपर उठ रहा है वैसे वैसे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है। ये कितनी मोटी दीवार है? ये 14 इंच की दीवार है जी। 14 इंच की दीवार है, मतलब नीव चौड़ी नीव है, पूरी मजबूत नीव भरते हैं। नीचे तो दो अर्दे लगाए थे 18 के, फिर 14 के चलाए हैं। अगर मान ले अगर इसमें नहीं भी मैं तो ये देखो चैनल लगे हुए हैं, ये चैनल डालते हैं इसके नीचे। अच्छा, चैनल भी ना होता इसमें तो चैनल डालते हैं। अभी RCC ले, अगर RCC नहीं है, पट्टी का मकान है वो भी उठाते हैं। राजस्थान में क्या है, लगभग 80% बिल्डिंगे है पट्टी होगी, है जोधपुरी पट्टी होगी, चुनने की चढ़ाई है वो उठा रहे, तो कोई है किस्मत होगी, कोई मिल गया RCC वाला मकान। ये देखो काम लगातार चल रहा है, साथ साथ में मैं बात कर रहा हूँ और आपको लाइव ही बता रहा हूँ कि यहाँ पे क्या इसका थोड़ा खर्चा समझाइए, जैसे कितना खर्चा आ जाता है, कितना कॉस्ट आ जाती है? खर्चा तो देखो बिल्डिंगों के हिसाब से है, अब जैसी बिल्डिंग होगी वैसा खर्चा है, लेकिन जो मतलब एस्टिमेट लगाते हैं कॉस्ट आइडिया तो होना चाहिए। हाँ, तो लगभग 15-20% में काम अपना खत्म हो जाता है। अब मान ले आप मकान तोड़ोगे, सपोज करो मान ले मकान आपको पता नहीं है उठवाना, आप तोड़ोगे मटेरियल तो फिर लगाना पड़ गया, हाइट तो दोगे ना बिल्डिंग को, हाइट तो दोगे। हाँ, जैसे ये इतना तो ऊंचा वापस बनाएगा या अगला दोबारा बनाएंगे, और ये जो टोटल मटेरियल लगा हुआ पर ये सारा वेस्ट, आपके काम नहीं आएगा कुछ भी। अब हमारा क्या, सिर्फ लेबर कॉस्टिंग कॉस्टी तो पड़ेगी आपको इसको, तो कोई मान लो तोड़ेगा मकान को तो उसके भी पैसे लगेंगे, उसके भी पैसे लगेंगे, फिर इसको डाल लो मलबा उसका भी पैसा लगेगा, और ये सारा मलबा हटाना भी पड़ेगा। हाँ, उसका भी पैसा लगेगा ना। अब और मटेरियल आपने फिर भी लगाना है और आज भी लगाना है। ये हमारा सिर्फ लेबर कॉस्ट आता है, जो टोटल फर्श फ्रूस डाल के बता रहा मैं आपको, टोटल 20% कॉस्ट में आपका पूरा काम कंप्लीट। अच्छा। और मटेरियल सारा बच गया। और फिर से देखो अंदर चलता हूँ मैं और काम किस तरह से हो रहा है ये देखिए, मैं भी देखते हैं। देखो देखिए अंदर काम चल रहा है लगातार और यहाँ पे काम पर लग रहे हैं भाई साहब। आपका शुभ नाम क्या जी? रिंकू जी, रिंकू योगी। रिंकू योगी, अच्छा ये आपके मोहित जी क्या लगते हैं जी? भतीजा जी अपना। अच्छा, आप उसके चाचा जी हैं? जी जी चाचा। अच्छा, सब फैमिली के लोग आप? बिल्कुल फैमिली, बिल्कुल पापा जी के टाइम से ही काम कर रहे हैं, साथ में काम। अच्छा, आपके पिताजी और उनके दादाजी हो गए? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी जैसे मैं पूछूं, अभी आप ये उठा रहे हो, कितना फीट उठा दिया आपने? 4.5-5 फीट हो गया है। पार्टी ने कितने फीट मांगा था? पार्टी ने 5 फीट मांग रखा है, इसे 2 इंच ऊपर करके देंगे हम। अभी इसको 2 इंच ऊपर करके देंगे। और ऊपर उठा रहे हो? हाँ। ये अभी एक दो दिन में उठा दोगे? हाँ, बस आज उठ जाएगा, बाकी फाइनल 2-3-4 दिन में हो जाएगा। फाइनल हो जाएगा। हाँ। बिल्कुल। तो इसमें कोई खास आपका कोई इशारा होता है कि जैसे कैसे घुमाते हो, कितने सारे जैक हैं? निशान लगा रखे हमने इसमें, उसी से कोड भाषा में नंबर बोलते हैं, 1-2-3-4-5 ऐसे उसे समझ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। नंबर 11 चिट्टे पे, ये देखिए खास इशारा होता है और उस इशारे के साथ जो कोड वर्ड के साथ ही घुमाया जाता है और इस धीरे 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 ये देखिए बिल्डिंग को ऊपर उठाया जा रहा है। कोर्स किस किस तरह के मकान है जैसे उठा सकते? सभी प्रकार के मकान होते हैं जिसमें लेंटर हो या ना हो और पत्थर का हो या ना हो, सब उठ जाते हैं। हमारे राजस्थान में पत्थर का काम ज़्यादा है और जो अपने जैसे यहाँ पे तो फिर भी अलबत्ता मिनिमम है, इतना ज़्यादा नहीं है झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में। हमारे तो हमारे चुरू जिले से आगे सुजानगढ़ में आओ आप, नागौर जाओ, जोधपुर जाओ, पाली जाओ, पत्थर का काम ज़्यादा है। पत्थर की दीवार भी चौड़ी होती है, उठ जाता है, सबको कर देते हैं लिफ्ट। पत्थर वाला भी उठ जाता है? पत्थर वाला भी कर, तो वजन ज्यादा होता है पत्थर में? देख लेते हैं उसका तो अपने आंखों से और वैसे ही देख लेते हैं हम, डिसाइड कर लेते हैं भी उठने लायक है ना, जो उठने लायक है तो उठा। मैंने सुना है कि पत्थर के मकान जो है वो नहीं उठाते? नहीं नहीं, उठ जाता है वो, तो डायरेक्शन देखनी पड़ती है ना मकान की, जाके डायरेक्शन देखे हैं मकान को। आपने पत्थर का मकान उठाया है? पत्थर का? हाँ उठाया। पत्थर के मकान का मैंने सुन रखा है भाई साहब, पत्थर का मकान नहीं उठाते जल्दी से लोग। बिल्कुल, अभी ये सॉरी सुजानगढ़ में ही उठा के आए हैं अभी पत्थर का मकान उठा, उससे पहले उठाया नागौर में पत्थर का। उसमें क्या होता है, इसमें तो ऑलरेडी बीम डाला हुआ है, RCC वाले में तो हाँ डाल लेते हैं। उसमें क्या हम बना के पहले बीम डालते हैं जैक के नीचे, ये जैक उसके नीचे लगेगा, जैसे डाल रखा ना तब उस पे उठता है वो,
बिल्कुल। और मिट्टी की चिनाई हो, कोई सा भी मकान हो, सब उठा देते हैं। अब टेक्निक पहले क्या था, छत उठाते थे, अब नीचे से उठा रहे हैं। पत्थरों वाला कोई भी पार्टी है वो उठाती नहीं है मकान। बिल्कुल, ये कह रहा हूँ मैं, पत्थर वाले मकान भी हाथ नहीं डालते जल्दी। लेकिन हमने स्टार्ट कर दिया पत्थर वालों को उठाना, पत्थर का हो, ईंट का हो, सब जैसा मर्जी हो, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हो रही है, वैसे वैसे काम चल रहा है। 5 मंजिल तक उठा देते हो? 5 मंजिल उठा चुके हो? उठा चुके हैं। बिल्डिंग कोई झुक जाती है? कौन कौन सी स्टेट में? अपना केरला, चेन्नई, अभी जो काम चल रहा है केरला में चल रहा है, चेन्नई में है, और इधर ये गुवाहाटी, आसाम, पूरे ऑल इंडिया, ऑल इंडिया वर्क है जी अपना। बिल्कुल। और ये है अजमेरा, अजमेरा एंड सन्स, यही नाम है ना कंपनी का? अजमेर एंड सन्स बिल्डिंग लिफ्टिंग सर्विस, अजमेर एंड सन्स बिल्डिंग एंड लिफ्टिंग सर्विस का ये नमूना मैंने लाइव चेक यहाँ पर किया, बातचीत भी की, मैंने सवालात भी उठाने की पूरी कोशिश की, और सर से भी मैंने बातचीत की, फौजी साहब जो जिनका ये मकान है, और ये तो बहुत ही कह रहे हैं, मैं खुद गारंटी लेता हूँ इनकी। तो कुल मिला के मुझे लगा कि ये काम वास्तव में विश्वास का काम है, और इन्होंने, इनका अनुभव भी काफ़ी लंबा चौड़ा अनुभव है, और 1500 से ज़्यादा मकान आज तक ये उठा चुके हैं, बिल्डिंगें उठा चुके हैं, तो वाकई में काबिले तारीफ़ है इनका काम, और वाकई में ये वरदान है उन सभी लोगों के लिए जिन लोगों का मकान नीचे चला जाता है, और ये एक आम समस्या है। और हम देखते हैं राजस्थान में तो ये बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि राजस्थान में रेतीले धोरे हैं, और सड़क जो है लेवलिंग के चक्कर में सड़क ऊंची उठ जाती है, और बहुत से लोग जो है अपने मनपसंद का मकान, इतना खूबसूरत बनाया हुआ मकान, ऐसे उसकी मिट्टी होते हुए देखते हैं, उसको इतना दुख भी होता है, पर उस सब चीज़ों का हल आ चुका है। यहाँ पर ये काम करते हैं, और पूरे विश्वास के साथ करते हैं, एग्रीमेंट के साथ करते हैं। तो आप भी स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों से आप इनसे संपर्क कर सकते हैं, इनसे आप राय ले सकते हैं, और संतुष्ट होने पर आप इनसे काम करवाएं, यही मैं कहूँगा। आप इसको भुगते नहीं, और मकान को बेचने या तोड़ने की जल्दबाजी ना करें, बल्कि आप उस मकान को तोड़ने से और उसको बेचने से पहले एक बार आप मोहित भाई साहब से, चिंटू भाई साहब से ज़रूर मिल लें। अच्छा जी, मैं नागेश कुमार कौशिक, अनिल प्रजापति के साथ, सबने राम राम।